Hello guys, this is Muskan and welcome to Say Hello to Fitness. So, आज मैं एक व्यूअर की डिमांड पे आपके लिए वेज कीटो रेसिपी लेके आई हूँ. बट रेसिपी स्टार्ट होने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको वो डाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो कीटो डाइट का मतलब होता है इसमें आपको फैट की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है, प्रोटीन की क्वांटिटी आपको मीडियम रखनी होती है, मॉडरेट, उसके बाद कार्ब्स बिल्कुल ही आपको लो रखने होते हैं. कार्ब्स को बिल्कुल ही कम करके फैट्स के साथ उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है और ये सब के दौरान हमारी बॉडी मेटाबॉलिक स्टेट में आ जाती है, जिसको हम लोग कीटोसिस बोलते हैं. और ये टाइम पे हमें क्या क्या खाना चाहिए? हम नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स की एक सर्विंग ले सकते हैं, हम फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया. उसके बाद हमारी कुकिंग वेजिटेबल ऑयल में नहीं होती है, क्लैरिफाइड बटर या कोकोनट ऑयल में होती है. उसके बाद हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए? हम ग्रेन्स नहीं खा सकते हैं, ओट्स, व्हीट, राइस, हम दालें नहीं खा सकते, चिकपी, राजमा, ये सब हमें अवॉइड करना होता है. और हमें स्टार्ची वेजिटेबल्स भी नहीं खानी होती हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ पे लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते, उसके बदले में हम लोग फुल फैट क्रीम यूज़ करते हैं. तो ये हो गया छोटा सा ओवरव्यू. अभी हम लोग अपनी रेसिपी देखते हैं. उसके लिए मुझे चाहिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स, एक चीज़ का क्यूब और एक मशरूम का पैकेट. मशरूम एक बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है जो आप कीटो डाइट के दौरान ले सकते हो. अभी मैं यहाँ पे मशरूम्स को स्लाइसेस में चॉप करूँगी, उसको अच्छे से वॉश कर दूँगी. यहाँ पे मैंने मशरूम्स को वॉश कर लिया है. अभी मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून ऑफ बटर. जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारी कुकिंग नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल में नहीं होती है, बटर या देसी घी, कोकोनट ऑयल में होती है. मैंने ये रेसिपी देसी घी में भी बनाने की ट्राई की थी, बट इसकी टेस्ट ज़्यादा अच्छी बटर में आ रही थी. आप भी इसे बटर में ही बनाएं. अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे मशरूम और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी. यहाँ पे हमें फ्लेम हाई पे ही रखनी है और 5 to 7 मिनट्स के बाद मशरूम्स अपना वाटर लूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. हमें उसे तभी तक कुक करना है जब तक ये पूरा ड्राई नहीं हो जाता. ड्राई हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक. यहाँ पे आपको गार्लिक की क्वांटिटी पे भी ध्यान रखना है, बिकॉज ये भी आपके कार्ब्स में काउंट होते हैं. तो कीटो डाइट में आपको ये छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स के भी मैक्रोस काउंट करने ही पड़ते हैं. अभी मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी. मैं इसमें सॉल्ट पर्पसफुली ऐड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज बटर एंड चीज़ है वो ऑलरेडी सॉल्टी लग रहा है. बट उसके बाद भी आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो. अब मैं इसमें 1 क्यूब चीज़ का ग्रेट करके ऐड करूँगी, जैसे वो अच्छे से मिक्स हो जाए. एक एक बाइट में उसकी टेस्ट आनी चाहिए. मैंने गार्लिक की मशरूम की रेसिपी अपने चैनल पे पहले भी शो की हुई है. ये उसका एक वेरिएशन है कि आप उसको कीटो डाइट में कैसे बना सकते हो. अब बस हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे से और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ सो यम्मी, बिकॉज मैंने पहले कभी ऐसी कुकिंग नहीं की हुई है बटर एंड चीज़ में. मैं ट्राई करूँगी दूसरी भी वेज कीटो की रेसिपीज अपने चैनल पे लेके आऊँ. तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.